तो भाई लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो चौथा T20 मैच है ना, ये खेला जाएगा फ्राइडे 1 दिसंबर। पहला दोनों T20 मैच इंडिया जीता, क्योंकि आपके भाई ने बोला था तो इंडिया को जीतना ही था। लेकिन तीसरे T20 मैच को आपके भाई ने बोला ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो भाई आज जो मैच होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा T20 मैच, इसमें आपका भाई क्या बोलेगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि आपको पता जो आपका भाई बोल देगा वही होने वाला है। तो पूरी वीडियो देखें, एनालिसिस करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कौन सी टीम जीतेगी चौथा T20 मैच, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। वैसे मैं बता दूं, इस मैच में ना दोनों टीमों में कई चेंजेस होने वाले, क्या चेंजेस होंगे वो आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। अभी तक 28 ओडीआई मुकाबले खेले गए, जिसमें से इंडिया ने 17 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैच जीता। यानी T20 में जो इंडिया का पड़ रहा है ना, हमेशा कंगारू के ऊपर भारी पड़ता है। मैं दोस्तों इन इंडिया, भारत की सरजमी पे 13 T20 मैच खेले गए, जिसमें से 8 मैच इंडिया ने जीता, 5 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। यानी भारत अपने घर में ना जल्दी से ऑस्ट्रेलिया को जीतने उतने ना देता। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो इंडिया ने 4 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया बस 1 मैच जीता। यानी लास्ट के 5 मुकाबलों में भी ना जो इंडिया की कहानी है वो कंगारुओं से आगे। तो आज के मैच में क्या होगा वो तो एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा ना, तो चलो कर लेते हैं एनालिसिस। लेकिन उससे पहले ना यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं यहीं पे नाच गा रहा होता ना तो 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर होते, लेकिन आपको काम की चीजें बताता हूँ, फायदा करवाता हूँ, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आज प्रूफ कर दो कि जो भाई लोग काम की वीडियो बनाते हैं, जो आपका फायदा करवाते हैं ना, उनके भी सब्सक्राइबर तेजी के साथ बढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना क्रिकेट के हर दिन जबरदस्त मैचेस चलते रहते हैं। और जबरदस्त मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलती है, मेरे टेलीग्राम पे मिलती है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिल जाएगी, या कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहला कमेंट है ना वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे है, फटाफट ज्वाइन करके आ जाओ। तो भाई लोग ये जो मैच है ना, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में खेला जाएगा। इस मैदान पे T20 इंटरनेशनल की बात करें तो अभी तक एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन IPL के 6 मैच खेलेगा, जिसमें से 2 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड, 4 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज। मतलब यहां के मैदान पे चेज करना थोड़ा सा आसान है, यानी पहले इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ड्यू आ जाती है तो बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 156 156 रन, टारगेट चेज की बात करें 152 152 के नीचे स्कोर बनेगा। 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 168 168 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 152 से 168 के बीच में स्कोर होगा तो समझ जाना मामला बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता और डिफेंड भी हो सकता है। यहां का जो सरफेस है ना वो हार्ड है, बॉन्डी लेंथ की बात करें तो मीडियम है ना, बहुत ज्यादा छोटी ना बहुत ज्यादा बड़ी। जब हार्ड सरफेस होता है तो क्या होता है, तब तेज गेंदबाजों को ना शुरू के 4-5 ओवर बॉल स्विंग करती है, मतलब शुरू के 4-5 ओवर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि तेज गेंदबाजों को हेल्प करेगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है जो बॉल होता है ना बैट पे आने लग जाता है, क्योंकि कंडीशन यहां की जो है वो बैटिंग कंडीशन है। लेकिन जो स्पिनर्स गेंदबाज है ना उनको भी थोड़ा बहुत परचेस मिलता है, उनको भी थोड़ा बहुत घुमाव मिलता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ की जो पिच है वो बैलेंसिंग पिच है, जो शुरू में तेज गेंदबाजों को हेल्प करता है, बाद में स्पिनर्स गेंदबाजों को भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। और बल्लेबाज अगर समझदारी के साथ बल्लेबाजी करे तो बैटिंग भी ठीक ठाक कर सकता है। और जब ऐसे मैच पे T20 मैच होते हैं ना तो अक्सर मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं, यानी जो आज के पावर प्ले स्कोर है 106 ओवर का, उसमें आपको 42 से 47 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 150 से 165 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो भैया यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम आज के मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, जो मैच होगा उसे उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी, चलो जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टीम इंडिया की। अगर हम यहाँ पे भारत के खेमे में चेंजेस की बात करें तो आई थिंक 2 चेंज हो सकते हैं। पहला चेंज, तिलक वर्मा की जगह पे श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं। दूसरे चेंजेस की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे दीपक चाहर। तो ये 2 चेंज हो सकते हैं किसके, भारत के खेमे में। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इनमें कई सारे चेंज होने हैं। तो भाई लोग देखो, जोस इंग्लिश की जगह पे मुझे लगता है जोस फिलिप्पे खेलते नजर आएंगे, मार्कस स्टोनिस की जगह पे मैथ्यू शॉर्ट खेलेंगे, ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे बेन मैकडरमॉट। ये 3 चेंज हो सकते हैं किसके, ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। और भी एक आधा चेंज होना होगा तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये 3 तो पक्का होने हैं, बाकी की जो टीम है सेम रहने। तो हमारे पास दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ गई, अब करते हैं कंपेरिजन और जानते हैं कौन सी टीम है मजबूत और कौन सी टीम है कमजोर। तो भाई लोग इधर होंगे ऋतुराज गायकवाड़, जिनका पिछले मैच में राज चला, क्या भाई साहब ने पारी खेली, क्योंकि ये बल्लेबाज खतरनाक है, जब चलता है तो 1 मैन आर्मी की तरह खेलता है, जैसा कि पिछले मैच में खेला। और इधर हैं ट्रेविस हेड, इन भाई साहब को इंडिया से पता नहीं क्या दुश्मनी है, मारते बहुत है यार इंडिया के गेंदबाजों को, मतलब इनको अगर जल्दी ना आउट किया तो मैच खत्म कर देते हैं, तो कमाल का T20 बल्लेबाज है। तो अगर हम यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ एंड ट्रेविस हेड की बात करें तो दोनों जबरदस्त फॉर्म में है, जबरदस्त परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तो मामला बराबरी का है।
और आगे चले, इधर है जोस फिलिप्पे। जोस फिलिप्पे की बात करें ना, लौंडे के अंदर दमखम है भैया, ये आता है शुरुआत से चौके छक्के लगाते रहते हैं, दूसरी चीज लंबी पारी खेलने का भी दमखम रखते हैं, काफी टैलेंटेड लड़का है जोस फिलिप्पे। और इधर है यशस्वी जायसवाल, अपना यश तो पता है ना कितना टैलेंटेड है, खतरनाक टैलेंट है इसके अंदर, जो ये शुरुआत करते हैं ना भाई साहब काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो इंडिया के कंडीशन के हिसाब से मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल की ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी अकॉर्डिंग जोस फिलिप्पे। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल आगे, जोस फिलिप्पे थोड़ा सा पीछे। और आगे चले इधर होंगे ईशान किशन। ईशान किशन की बात करें तो भाई साहब इनका ऑस्ट्रेलिया के सामने रिकॉर्ड भी अच्छा है और काफी बढ़िया फॉर्म में भी है, टी20 हमेशा बढ़िया खेलते रहते हैं। और इधर है मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट की बात करें तो टी20 के बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, खास करके जब से इंटरनेशनल खेलना स्टार्ट किया वहां पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना रही है। तो मुझे लगता है ईशान किशन बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं, मैथ्यू शॉट थोड़ा सा पिछड़ते नजर आ रहे हैं ईशान किशन से। और आगे चले तो इधर है बेन मैकडरमट। बेन मैकडरमट की बात करें ये भी टी20 के कमाल के बल्लेबाज है, डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उतने मौके ना मिले, लेकिन जो भी मौके मिले ना वहां पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है। और यहां पे होंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की बात करें तो कमाल का टी20 बल्लेबाज है, जब जब ये टीम में खेलते हैं बढ़िया करके देते हैं। और मुझे लगता है इंडिया के कंडीशन के हिसाब से ना श्रेयस अय्यर भी बेन मैकडरमट से बेहतर नजर आ रहे हैं, और श्रेयस अय्यर मुझे लगता है बेन मैकडरमट से बढ़िया परफॉर्म भी करेंगे। और आगे चले तो इधर है सूर्या। जब सूर्या निकलता है तो गेंदबाजों को जलाता है, टी20 में इनकी जो परफॉर्मेंस है ना ऐसी होती है भैया, कोई भी मैदान हो कोई भी पिच हो कोई भी टीम हो कोई भी गेंदबाजी लाइन अप हो सबकी धज्जियां उड़ा के रखते हैं कौन, सूर्या कुमार यादव। और इधर होंगे टिम डेविड। टिम डेविड की बात करो तो टिम डेविड भी टी20 का काफी तगड़ा बल्लेबाज है, जो फिनिश करने के लिए माहिर है और बहुत अच्छा फिनिश भी करते हैं, मतलब जो काम के लिए भेजा जाता है ना वो काम करके भी देते हैं। हालांकि अभी तक उतनी अच्छी लय में नहीं दिखे इस सीरीज में, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में टिम डेविड की बढ़िया परफॉर्मेंस हो सकती है, इसलिए मुझे लगता है सूर्या कुमार और टिम डेविड का आज के मैच में जो मामला है वो तो बराबरी का नजर आ रहा है। और आगे चले तो इधर है मैथ्यू वेट। मैथ्यू वेट का जो रिकॉर्ड है टी20 में इंडिया के सामने भाई साहब काफी ज्यादा खतरनाक है, बल्लेबाज किसी के सामने रन बनाए ना बनाए लेकिन जब भारत की टीम आती है ना तो मैथ्यू वेट का बल्ला चलता है, जैसा कि पिछले दो मैचों में आपने देखा ही। और इधर है रिंकू सिंह द फिनिशर। अगर हम यहाँ पे रिंकू सिंह की बात करें जो फिनिशर का काम अभी ये कर रहे हैं ना भाई साहब, आसान नहीं होता लेकिन बंदा निभा रहा है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो भले ही मैथ्यू वेट को एक्सपीरियंस है लेकिन जो परफॉर्मेंस है रिंकू सिंह की मुझे लगता है मैथ्यू वेट के बराबर है, तो दोनों खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मामला है वो बराबरी का है। और आगे चले इधर है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करें तो कमाल के ऑलराउंडर है, जो बढ़िया गेंदबाजी के साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी भी करके देते हैं, हालांकि बल्लेबाजी का नंबर कम आता है लेकिन गेंदबाजी सभी मैचों में जबरदस्त करते हैं। और इधर है एरॉन हार्डी। एरॉन हार्डी की बात करें तो ये भी उभरता हुआ ऑलराउंडर है, जो बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी का ऑप्शन भी देता है, और जब जब ये खेले हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है, पिछला मैच छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है आज के मैच में ना एरॉन हार्डी भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देने वाले हैं, अक्षर पटेल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो यहां पर जो मामला है वो तो बराबरी का नजर आ रहा। और आगे चले इधर है केन रिचर्डसन। केन रिचर्डसन की बात करें तो टी20 की बेहतरीन गेंदबाजी, पिछले मैच में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा दे रहे थे, अगर एक्स्ट्रा ना देते तो इनकी गेंदबाजी बढ़िया थी। और टी20 भी जब भी खेलते हैं बढ़िया गेंदबाजी करके भी देते हैं। इधर होंगे दीपक चाहर। दीपक चाहर की बात करें तो स्विंग के किंग है भाई साहब, न्यू बॉल से जो खतरनाक गेंदबाजी करते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और थोड़ी बहुत तो बल्लेबाजी भी करके देते हैं। तो मुझे लगता है दीपक चाहर जिस तरह से स्विंग करवाते हैं ना उस चक्कर में केन रिचर्डसन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो दीपक चाहर की मुझे लगता है आज के मैच में अकॉर्डिंग केन रिचर्डसन से बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाली है। और आगे चले तो इधर होंगे रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की बात करें तो भैया तीनों टी20 में क्या कमाल की गेंदबाजी करी, सबसे ज्यादा विकेट किसी ने दोनों टीमों में से किसी ने चटकाए हैं ना वो रवि बिश्नोई, क्योंकि भैया दमदार गेंदबाजी कर रहा है यार, मतलब रन से नहीं डरता, मारो रन लेकिन विकेट भी निकाल के लेके जाएगा क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज है। और इधर होंगे नाथन एलिस। नाथन एलिस की बात करें तो ये भी टी20 के काफी ज्यादा परफेक्ट गेंदबाज है, हमेशा जब से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं डोमेस्टिक भी खेला बढ़िया गेंदबाजी करते भी हैं, इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, रवि बिश्नोई की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई और नाथन एलिस का जो मामला है टी20 मैच के हिसाब से बराबरी का है। और आगे चले इधर है तनवीर सांगा। तनवीर सांगा की बात करें तो डोमेस्टिक में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है लेकिन इंटरनेशनल में अभी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, कभी करते हैं कभी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जिस लेवल की परफॉर्मेंस इनको करनी चाहिए। और इधर होंगे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह की बात करें तो पिछले 8-10 मैचों से ना ये भी उतनी ज्यादा लय में नहीं दिखे, लय में क्यों नहीं दिखे, एक आधा विकेट मिलता है, ज्यादा विकेट विकेट ना मिलता तो अर्शदीप सिंह भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तनवीर सागा भी अपने टैलेंट को अभी उतना दिखा ना पाए, तो यहाँ पे मुझे लगता है दोनों की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मामला यहाँ पे भी बराबरी का है।
और आगे चले इधर है आवेश खान। आवेश खान की बात करें तो काफी दिनों बाद खेलने का मौका मिला, ठीक ठाक गेंदबाजी करी भी, मतलब जिस तरह से सपाट पिच था उस हिसाब से ठीक ठाक गेंदबाजी करी आवेश खान ने। और इधर है जैसन बैरनड्रॉप जो कि स्विंग के किंग है भैया, न्यू बॉल से जिस तरह से ये घुमाते हैं ना अच्छे अच्छे, उस तरह की स्विंग ना करवा पाते तो मतलब कमाल की गेंदबाजी करते हैं यार। इतनी सपाट पिच पे चार ओवर पे सिर्फ 12 रन देना, मतलब लौंडे के अंदर तो दम है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जैसन बैरनड्रॉप ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग आवेश खान। तो जैसन बैरनड्रॉप आगे आवेश खान से। कंपेरिजन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो भैया दोनों टीमें यंग हैं लेकिन दोनों टीमें टैलेंटेड से भरी हैं, तो मामला बराबरी का नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के यहाँ पे कंपेरिजन करें तो भारत ने अपने लास्ट के सिक्स मैच में चार मैच जीता, बस दो मैच हारे, तो भारत की जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आखिरी के छः मैच में चार मैच जीता, दो मैच हारा, तो ऑस्ट्रेलिया की भी जैसे इंडिया की परफॉर्मेंस है सेम ऑस्ट्रेलिया की भी परफॉर्मेंस वैसी है। इस दौरान जो ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी एवरेज है 190 रनों का जो कि बढ़िया होता है, इंडिया की बात करें 197 रनों का जो कि और भी ज्यादा बढ़िया होता है। और गेंदबाजी एवरेज है 8.23 गेंदबाजी एवरेज, ये भी ठीक ठाक होता है, मतलब इंडिया का बल्लेबाजी और गेंदबाजी एवरेज दोनों अच्छा है, तभी लास्ट के सिक्स मैच में चार मैच जीता, बस दो मैच हारे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें जो गेंदबाजी एवरेज है 8.32 की जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना, ये भी ठीक ठाक होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया का भी बल्लेबाजी एवरेज और गेंदबाजी एवरेज बढ़िया है, तभी लास्ट के सिक्स मैच में चार मैच जीता, बस दो मैच हारे। तो अगर हम यहाँ पे देखें चाहे रिजल्ट की बात कर लो या बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लो या फिर गेंदबाजी एवरेज की बात कर लो, लगभग एक जैसा है, बस थोड़ा बहुत इंडिया बल्लेबाजों गेंदबाजी एवरेज में आगे दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो जान लेते हैं। बस उससे पहले जल्दी से ना भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत जो करता हूं। तो देखो भाई लोग, सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है 60 टीम इंडिया 40 टीम ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है जो मैच है ना टीम इंडिया अपने नाम पे कर सकता है और हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे इंडिया इंडिया इंडिया। बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्यों ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर दिन यार क्रिकेट के जबरदस्त मैचेस चल रहे हैं, उन जबरदस्त मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है ना वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।